हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई कोफ्ता की रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसको हम दो तरह की ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। इसको हम टमाटर प्याज की ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं और एक वाइट ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इसको वाइट ग्रेवी के साथ बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको भी मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिए। इससे जो हमारे मलाई कोफ्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और उनमें एक स्वीट सा फ्लेवर आ जाता है। के अंदर भरने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ काजू और किशमिश लिए हैं, इनको मैंने काट कर रखा हुआ है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कटा हरा धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्याज लिया है, इनको मैंने बड़ा बड़ा काट कर रखा हुआ है। 3 हरी मिर्ची ली है। ये कुछ अदरक का टुकड़े लिए हैं। मैंने लगभग 15 काजू लिए हैं जिनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। मलाई कोफ्ता की जो ग्रेवी है वो थोड़ी मीठी मीठी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चीनी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी में मीठा फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 तेज पत्ते लिए हैं और 3 इलायची ली है। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर क्रीम ले रही हूँ, फ्रेश क्रीम है ये। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप ताजी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी लिया है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी। इसके लिए हम पहले कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक परात लिया है, उसमें हम अपना पनीर ऐड कर देंगे। आलू को ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे और ये हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब सभी को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमें हथेली से ऐसे मसलना है और एक सॉफ्ट डो बनाना है। कोफ्ता बनाने के लिए हमारा डो एकदम रेडी है। अब हम इससे अपने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम हाथ पर थोड़ा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेंगे। इसको हम हाथ से थोड़ा फ्लैट करेंगे और इसमें हम एक किशमिश और कुछ काजू के टुकड़े रख देंगे। इसको हम हाथ से ऐसे बंद कर देंगे। इसको हम हाथ से ऐसे रोल कर लेंगे। मैं यहाँ पर राउंड शेप के कोफ्ते बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। कोफ्तों को हम कॉर्नफ्लोर में डस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। कोफ्तों को हमें बहुत तेज गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है, इनको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। एक बार में हम 5 से 6 कोफ्ते डाल देंगे। जब हमारे कोफ्ते एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के कोफ्ते भी तलकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी कोफ्ते तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम पहले प्याज को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम इलायची ऐड कर लेंगे। इसमें हम हरी मिर्च को तोड़ कर ऐड कर देते हैं। अदरक को भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपना प्याज ऐड कर देंगे। साथ में मैं काजू भी ऐड कर रही हूँ।
और इसको हमें धीमी आंच पर लगभग 5 से 6 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, हमारा प्याज हल्के गुलाबी कलर का हो गया है। अब हम हीट को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारा प्याज और काजू ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमारा प्याज अब ठंडा हो गया है, अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पीस लेंगे। मैं यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज और काजू का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, साथ में मैं बटर भी ऐड कर दूँगी। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया है जिससे हमारा बटर जले नहीं। आप चाहें तो इसको तेल में भी बना सकते हैं या देसी घी में बना सकते हैं। बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, प्याज का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है और इसको हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट भून लेंगे। इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। साथ में मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून चीनी भी ऐड कर रही हूँ। हमारी ग्रेवी में अब एक उबाल आ गया है, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। क्रीम ऐड करने से पहले हम हीट को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसको लगातार चलाते रहें। साथ में नमक भी ऐड कर देते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। हम साथ में कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है ग्रेवी में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और हीट को बंद कर देते हैं। हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है, अब हम अपने कोफ्तों को सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें मैं अपने कोफ्तों को लगा लेती हूँ। अब हम कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मलाई कोफ्ता सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक